अस्सलाम वालेकुम, हेलो रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर मेरा ये नावल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। आए इसके अगले शांजी अब सोच में पड़ चुकी थी कि वो शाह से बचकर आ तो गई है, लेकिन क्या अब उसका सामना कभी शाह से नहीं होगा। अगर होगा तो वो कैसे सामना करेगी, उस धोखे की सज़ा क्या देगा, वो उसे कभी माफ़ कर पाएगा। नहीं शांजी, इतना ना सोच, ये सब तब होगा जब वो मुझ तक पहुंचेगा। मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगी। शाह ने जैसे ही छत पर कदम रखा तो जैमी को इस हालत में देख कर हकला गया था। वो फौरन उसके पास आया, उसके सर से काफ़ी खून बह रहा था। पानी, शाह झट से उठकर पानी लेने गया और वापस आकर जैमी के चेहरे पर चिपकने मारने लगा। थोड़ी देर बाद उसको होश आया। डैड, ये सब कुछ शाह, वो लड़की जैसा मैंने सोचा वैसी निकली। वो लड़की मेरी एक इंपॉर्टेंट फाइल लेकर चली गई है। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये वही लड़की है। शाह प्लीज़ उसे रोको, जैमी ने टूटे लफ्जों में सब कुछ बयान करके कहा। दोबारा बेहोश हो चुका था। शांजे, तुमने शाह को धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। ये तुम्हारी प्लानिंग थी, मुझे अपने झूठे प्यार में फंसाना, मेरा भरोसा लेना और फिर चली गई। मेरे बाप की खुशियों की दुश्मन तुम थी, तुम मेरी माँ की कातिल की बेटी, तुम्हें इस सब का हिसाब चुकाना होगा। वैसे मैं तुम्हें कभी भी वापस नहीं जाने दूंगा। पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट की टाइमिंग बताओ, जल्दी पता लगाओ। शाह ने सेक्रेटरी को कॉल की। मैंने चेकअप कर दिया है, इन्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर ने जैमी की पट्टी की और शाह को बताने बाहर आ गया। ओके, आपका शुक्रिया, और वहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। सिर्फ आधे घंटा उसके बाद शांजी की फ्लाइट थी। शाह ने गाड़ी की स्पीड ये सोचकर और बढ़ा दी। तकरीबन 15 मिनट बाद वो एयरपोर्ट पहुँच चुका था। फौरन ही दौड़ लगाकर वहाँ दाखिल हुआ। दूसरी तरफ शांजे वो फाइल फ्रान के हवाले कर चुकी थी। फ्रान ने जल्द ही वो फाइल अपने एक क्लाइंट को दे दी ताकि वो जल्दी से इस फाइल की प्रिंट्स पाकिस्तान में दर्ज करवा दे। फ्रान उसे कुछ इंस्ट्रक्शन गाइड कर रहा था जब अचानक ठाक की आवाज़ से एयरपोर्ट पर इश्तेआल पैदा हो गया। खबरदार जो किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया। शांजे ने जब शाह को देखा तो फ्रान का हाथ अपने हाथ में ले लिया। शांजे, अगर तुम आराम से मेरे साथ चली तो इससे गोली तुम्हें नहीं मारूंगा, आई प्रॉमिस, लेकिन अगर ज़रा भी होशियारी दिखाई तो फिर तुम्हारे साथ इसे भी मार दूंगा। शांजे ने शाह को देखा तो उसकी आँखें वार्निंग दे रही थी। मैं तो जा रहा हूँ वापस, अगर तुम पाकिस्तान चली गई तो याद रखना पहली खबर तुम्हें जो मिलेगी तुम्हारे बाप की, और अगर तुमने ऐसा नहीं चाहती तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। फ्रान ने शांजे को कहा, जाओ, मेरी फिक्र ना करो। फ्रान ने शांजे का हाथ सहलाते हुए कहा, मुझे अंदाज़ा है फरार, लेकिन अगर उसने मेरे बाबा के साथ ऐसा वैसा कुछ किया, उनकी जान ले ली, तो क्या मैं जी पाऊंगी। फरान, इसलिए मैं अब सीधा शाह के पास जा रही हूँ। फरान, तुम जल्द से जल्द इस फाइल के प्रिंट्स पाकिस्तान भिजवाओ, और जैसे ही प्रिंट्स पाकिस्तान भिजवा दो तो एक दफ़ा न्यूज़ भी चला देना ताकि जिमी के फरार के रास्ते बंद हो जाए। जैसे ही शांजे हॉल में दाखिल हुए तो वो दोनों उसी का इंतजार कर रहे थे। ऐ लड़की, कहाँ है वो फाइल? जैमी ने जैसे ही उसे देखा तो फौरन झपट गया और एक नज़र शाह पर डाली, जो कि सोफे पर टांग पर टांग चढ़ाकर अपनी शोला बरसाती आंखों से बैठे उसी का जायज़ा ले रहा था। फाइल वही है जहाँ उसे होना चाहिए था, और तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे पापा की सजा सुनाने के साथ ही वो फाइल भी तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे के हवाले कर दी जाएगी। शाह गुस्से से उड़ाता हुआ आया, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बताओ कहाँ भेजी है फाइल, नहीं तो बहुत बुरा होगा। शांजे के मुंह से सिसकी निकली, शाह तुम्हारे बाप की असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी आज। शट अप, जस्ट शट अप, असलियत तो तुम्हारी मेरे सामने आई है। तुम वही लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी, मेरे बाप की दुश्मन हो तुम, मेरी माँ की कातिल की बेटी। शाह ने जोर से धार कर शांजे को धक्का दिया। नहीं शाह, मैं सच कह रही हूँ, ये वो सब तुम्हारे बाप ने किया, मेरी माँ ने नहीं किया, बल्कि इस इंसान ने किया, ये जानवर है, जानवर। डैड, अपने सीक्रेट रूम कीज की चाबी दे मुझे। शाह प्लीज़ मेरी बात सुनो तो सही, कितना यकीन किया था, कितना सॉरी फील कर रहा था मैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मुझे ही धोखा दे रही थी। शाह ने उसे गुद्दी से पकड़ कर कहा, प्लीज़ शाह, थोड़ी देर बाद न्यूज़ में खबर आ जाएगी, चलो मेरे साथ, खबर जाओ तो तुमने कोई शरारत की। शाह ने उसको बालों से दबोच कर कहा, और वो रूम घर की बेसमेंट में वाकई था। शाह ने अपना चेहरा एक कपड़े से ढांप लिया था क्योंकि उसकी बदबू से उसकी जान जाती हुई महसूस हुई। शाह प्लीज़, शांजे ने अपने दोनों हाथ अपने नाक पर रखे, वो स्मेल जहरीली गैस की स्मेल थी। जब तक तुम फाइल का नहीं बताओगी इस कोठरी में बंद रहोगी, उस वक्त तक मर भी जाओ मुझे कोई परवाह नहीं, नहीं मुझे सांस नहीं आएगा, प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर उसने शांजे को धक्का दिया जिससे वो घास फूस के ऊपर जा गिरी। शाह फौरन ही कोठरी का दरवाज़ा बंद करके अपने रूम में चला आया। कोई है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा तो शांजे की आवाज़ हुई समातों से टकराई। उसने इधर उधर नज़र दुराई तो आवाज़ एक दरवाजे से आ रही थी। जैसे ही उसके नज़दीक बढ़ा तो स्मेल से उसका जीना मुश्किल होने लगा। शांजे तुम अंदर हो क्या? फरान ने जल्दी से दरवाज़ा खटकाया लेकिन अंदर से उसकी आवाज़ ना निकली। उसने दरवाजे पर ताला देखा तो फौरन ही पास पड़े पत्थर से उसे तोड़ा और वक्त ज़ाया किए बगैर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर धुआं ही धुआं था जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शांजे तुम कहाँ हो तुम? शांजे क्या तुम यहाँ हो? प्लीज़ कुछ बोलो। उसका अचानक ही उसका वजूद किसी चीज़ से टकराया। उसने
सांजे को बेहोश जिस्म को उठाया और बाहर खड़ी गाड़ी में बिठा दिया और अंदर चला गया। सांजे शाह ने हर चैनल बदल कर देख लिया था, हर तरफ यही न्यूज़ चल रही थी कि पाकिस्तानी पुलिस ने जमशेद के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं और तो और यही अपनी बीवी का कातिल है। लड़कियों को अगवा करने और फिर उनको पैरिस भेजना और वहाँ जाकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाना, फरहान ने पुलिस को इत्तला कर दी थी क्योंकि ये पैरिस में ही अपने काम सर अंजाम देता था और लड़कियों पर तशद्दुद भी करता था, इस लिहाज से इसे पैरिस में भी सजा मिलनी चाहिए थी, उसके बाद इसे पाकिस्तान भिजवा देना चाहिए था। ऐसे ही फरहान ने हाथ में फाइल पकड़े हाल में कदम रखा तो शाह अपने सर को दोनों हाथों में थाम कर जमीन पर बैठा था। उसने वो फाइल उसके कदमों में गिराई, शाह को उसके कदम दिखाई दे तो फौरन अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और दोबारा फाइल पर नजर जमाई, ये है वो फाइल जिसके लिए तुमने सांजे के साथ ये सलूक किया है, अब तुम इसे गौर से पढ़ लो ताकि इसे लेकर तुम्हारे दिल में जो नफरत है वो कम हो सके और अपने बाप का असली चेहरा तुम्हारे सामने आ सके। फरहान ने बस इतना कहा और वापस जाने लगा। रुको, वो मेरे डैड है, शाह कुछ बोलता जब पुलिस अंदर आते हुए दिखाई दे, ढूंढो जमशेद को, वो कहीं छुपा हुआ बैठा होगा, अपनी जबान में उसने पुलिस को कहा। वो सबको समझ आ रही थी, थोड़ी देर बाद ही जमशेद के हाथों में हथकड़ी लग गई थी, वो नीचे आता दिखाई दिया। शाह ने एक हारे हुए शख्स की तरह उसे देखा। शाह, जमशेद अभी कुछ बोलता शाह ने उसकी बात काट दी, ले जाए इस इंसान को, ये सजा का मुस्तहिक है इंस्पेक्टर साहब, शाह ने अपना चेहरा जिमी से हटाते हुए कहा और जिमी को 1 साल कैद की सजा के बाद पाकिस्तान में सजा दिलवाने के फैसले पर अमल करने का फैसला हो गया। अचानक शाह को सांजे का ख्याल आया, भागता भागता वहां तक गया लेकिन वो कोठरी का दरवाजा पहले ही खुला हुआ था, फरहान उसे अपने साथ ले जा चुका था। शाह की जिंदगी से सब एक धमाके से दूर हो गए थे, अभी तक वो यूं ही सोच रहा था, कुछ लोगों को उसने गलत समझा था और कुछ ने उसे धोखा दिया था। सांजे, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, तुम्हें जाकर भी नहीं मिल सकता, किस मुँह से मिलूँ, हार चुका हूँ मैं सब कुछ, काश तुम पर यकीन कर लेता, काश तुमने मुझे पहले बता दे होता था, मेरे बाप ने मुझे धोखा दिया। शाह ने अपने हाथों से चेहरे से आंसू साफ किए और उठ खड़ा हुआ। 1 हफ्ते बाद शाह अब घर में कम रहता था, ऑफिस में ही ज़्यादा वक्त गुजारता था, उसने पिछले तमाम पार्टी से अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए थे, उसकी दाढ़ी अब पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से उसकी शख्सियत में बदलाव दिख रहा था। सिंपल सूट और ट्राउज़र में मुलव्वस वो उसी हुलिये में ही ऑफिस आता था, वो सीट से टेक लगाए आंखें बूंदे बैठा था जब एक कॉल ने उसे हाल की दुनिया में धकेला। जैसे ही उसने कॉल उठाई तो उस खबर से उसका मोबाइल हाथ से छूट चुका था। मुझे जल्द ही सांजे से मिलना होगा, शाह ने फौरन ही गाड़ी की चाबी ली और बाहर निकल गया। इस्लामाबाद, वेलकम टू पाकिस्तान सांजे, फरहान ने सांजे के कान में कहा। वह हाल की दुनिया में वापस आई। फरहान, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे फौरन बाबा से मिलना है। ओके सांजे, लेकिन प्लीज पहले तुम कुछ खा पी लो क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा वीकनेस है। सांजे को फरहान 1 हफ्ते के लिए अपनी तरफ ले आया था जो कि उसके डैड कुछ वक्त के लिए अब्रोड थे। उसकी हालत की वजह से उसने हफ्ते बाद पाकिस्तान जाने का फैसला किया। वो इस्लामाबाद में कदम रख चुकी थी। इन 3 महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसकी जिंदगी में इससे बड़ा बदलाव और आ भी नहीं सकता था। अब वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ रजू करने लगे जहां उसकी बाबा की मैयत उसका इंतजार कर रही थी। ऐसा नहीं हो सकता फरहान, मेरे बाबा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, की चीखो पुकार पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। सांजे, खुद संभालो खुद को प्लीज, होनी को कौन डाल सकता है, सबर से काम लो। फरहान ने उसको पानी का गिलास जबरदस्ती पिलाते हुए कहा। नहीं फरहान, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, कितने मान के साथ मैं पाकिस्तान आई थी, उस शाह ने मुझसे मेरे बाबा को छीन लिया, फरहान मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। सांजे जारो कतार रो रही थी। सांजे, क्या कह रही हो, फरहान ने उसे कंधों से थामते हुए कहा। उसने तुम्हारे सामने उसने धमकी दी थी ना कि अगर मैं उसके पास ना गई तो वो मेरे बाबा को मार देगा। सांजे ये सब कहकर होश बेहोश हो गई, वो तुम्हें अपने बाप का कातिल समझने लगी है। शाह, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जल्द ही पता करवाना पड़ेगा कि उसके बाप के मर्डर के पीछे किसका हाथ। सांजे प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारे दिल में मुझे लेकर जो गलत फहमी है वो बहुत जल्द दूर कर दूंगा। 2 साल बाद बाबा वो जैसे ही थोड़ा सा चलकर आगे जाता तो दोबारा गिर जाता था। गोल मटोल चेहरा, छोटी सी नाक, काली काली मोटी आंखें और खिलखिलाती हंसी। जैसे ही वो बच्चा दोबारा गिरने लगा उसने फौरन ने उसे उठा लिया और ऊपर उछालने लगा। चलो मेरे शेर, अब घर चलते हैं, तुम्हारी मामा ने मेरा जीना हराम कर देना अगर मैं और लेट हो गया तो। जैसे ही उस बच्चे ने उसकी बात सुनी तो फौरन उसका मूड ऑफ हो गया था। ये पहली मर्तबा तो नहीं था, तुम्हारी मामा तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा, उसने बच्चे की छोटी सी नाक को दबाते हुए कहा। नो, उस बच्चे को बस एक ही लफ्ज था। जैसे थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंच चुके थे, जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सांजे गुस्से से अपने बाजू फोल्ड किए उसके सामने खड़ी थी, जबकि उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ फरहान पर मरकूज थी। अपनी औलाद को देखना उसने गवारा ना किया जो फरहान के साथ खड़ा बिल्कुल अपने बाप की तरह तेवरी चढ़ाए आंखों में गुस्सा लिए खड़ा माँ को देख रहा था। सांजे, मैंने कितनी दफा कहा है कि जोहान के सामने इतना ऊंचा ऊंचा मत चिल्लाया करो, अभी 1 साल का तो हुआ है। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज उसे बाहर लेकर ना जाना, सांजे ने अपना डर छुपाते हुए कहा। तभी तुम्हें क्यों, तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारे बेटे को, फरहान शट अप, ये मेरे बाप की कातिल की औलाद है और कुछ नहीं, क्यों नहीं जीने देते तुम मुझे। सांजे फरहान की बात काट चुकी थी। शर्म करो सांजे, तुम अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, अब तो मैं इसे और बाहर लेकर जाऊंगा, शायद शाह इसे ढूंढ ले, कम अज कम वो तुम जैसा बिहेव तो नहीं करेगा उसके साथ। पूरा 1 साल तुमने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई है, वो
और एक ऐसा शख्स जिसने एक ऐसे इंसान के लिए इलाज के लिए लाखों रुपए लगाए, उसी को तुम उस इंसान के कातिल कैसे करार दे सकती हो? शांजे तुम शाह से नफरत नहीं करती हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे और शाह के दरमियान क्या चल रहा। खैर, उसने उन दोनों को अपने हाल पे छोड़ दिया और वहां से चला गया। इन दो सालों में फरहान और शाह की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि शाह ने अपना बिजनेस पाकिस्तान में सेट कर लिया था और अब वो उसके ऑफिस में ही काम करता था, उसका बॉस था। और शांजे को बार बार यही समझाता था शाह के बारे में कि शाह बहुत अच्छा इंसान है, उसको एक मौका तो दे और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में आगे बढ़े। शांजे हर बार उसकी बात टाल देती, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में उसको भी शाह से मोहब्बत थी। शांजे, जुहान को अपने बाप से जुदा ना करो, शाह बहुत अच्छा बाप बनेगा, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ। प्लीज़ मेरे कहने पर तुम शाह को एक मौका तो दो। शांजे चुप हो गई। ओके फरहान, मैं सोचूंगी। शाह के सामने जूली की असलियत भी खुल गई थी और शाह ने जूली से मंगनी तोड़ दी थी और वसीम के साथ उसकी शादी करवा दी थी, जो कि उसके बच्चे का बाप था। शाह को अब सिर्फ शांजे के बाप के कातिल के बारे में जानना था। इस नावल का आखिरी हिस्सा मेरी अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। उसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।